मनीष ने कहा है कि जब भी कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ तो भीतर से एक डर उठता है जो उस काम से रोकता है। सत्र में आने से पहले भी ऐसा ही होता है। तो तुम आ गए ना सत्र में, बस उस डर के साथ यही सलूक किया करो। उसका क्या काम है? रोकना। और तुम्हारा क्या काम है? हाँ ना, उसे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। वो जो भीतर है ना, वो भीतर होके भी जरा पराया है, उसको समझना मनीष। जो ये भीतर है ना, जो कुछ करने को कहता है, कुछ करने को रोकता है, वो यूं तो लगता है कि जैसे भीतर है, पर वो वास्तव में पराया है। तुम दो हो, एक वो जो तुम अभी हो और दूसरे वो जो तुम शताब्दियों से हो, सदियों से हो। नहीं समझे? अभी तुम ध्यान हो। जानने वालों ने कहा है कि यही सत्य है, इसके अलावा तुम्हारी कोई पहचान सच्ची नहीं। जब तुम ध्यान में हो उस वक्त बाकी सारी पहचानें कहाँ जाती हैं? हाँ, पता नहीं कहाँ जाती हैं, कौन जाने कहाँ गई। अच्छा, आप ध्यान से सुन रहे हैं, कहिए कि आप और आप और आप और आप, तो दो जने पुरुष हैं, दो जने स्त्री हैं। एक जन जरा प्रौढ़ है, एक जरा युवा है। एक किसी पृष्ठभूमि से आते होंगे, दूसरे किसी पृष्ठभूमि से आते हैं। आर्थिक स्थिति, जातीयता, भाषा, खान पान इत्यादि में भी खूब भेद होगा। वो सारी पहचानें कहाँ चली गई थी पिछले आधे घंटे में? पिछले आधे घंटे में जब मुझे ध्यान से सुन रहे थे, तो क्या इनके ध्यान, इनके ध्यान, इनके ध्यान और इनके ध्यान में कोई अंतर था? क्या तुम कहोगे कि इनका ध्यान स्त्री का ध्यान था और उनका ध्यान पुरुष का ध्यान था? स्त्री पीछे छूट गई, कौन बचा? प्रौढ़ता पीछे छूट गई, क्या बचा? यौवन पीछे छूट गया, अभी क्या था? अभी तुम ये तो नहीं कहोगे ना कि यहां यदि 50 लोग हैं तो यहां 50 तरह के ध्यान हैं। अगर 50 तरह के ध्यान है तो अभी ध्यान लगा नहीं। यदि ध्यान में अभी किस्में हैं और ध्यान के भी रूप रंग और नाम है, तो फिर ध्यान अभी लगा नहीं। तो एक तो तुम वो हो जो अभी होते हो, उसका नाम है विशुद्ध ध्यान, मौजूदगी, उपस्थिति। और उसमें कोई और पहचान मायने नहीं रखती। उसमें तुम ये नहीं कहोगे कि अभी मैं स्त्री हूं, अभी ये हूं, अभी वो हूं। अभी तुम यहां जितने बैठे हो, तुम सब विशुद्ध चैतन्य मूर्ति हो, और ये सब मूर्तियां निराकार हैं। तो इनके चेहरे नहीं हैं, इनका कोई नाम, आकार इत्यादि नहीं है। तुम ये इसीलिए नहीं कह पाओगे कि ये अलग-अलग हैं। एक ये है तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी हकीकत मनीष, और दूसरी तुम्हारी हकीकत वो है जो तुम अपने जिस्म में लेके घूम रहे हो। वो चली आ रही है पीछे अनंत काल से। मैंने तो बस इतना ही कहा था, सदियों से, शताब्दियों से। सदी और शताब्दी तो बड़े छोटे कालखंड होते हैं। वो सहस्रों युगों से चली आ रही धारा है, उसमें तुम्हारी आंख छुपी है, तुम्हारा बाल छुपा है, तुम्हारे कान छुपे हैं, तुम्हारी जाति, धर्म, संस्कार, धारणाएं, अरे पता नहीं क्या क्या छुपा है। तुम्हारे बाल यूं ही थोड़े ही काले हैं। तुम्हारे बाल क्यों काले हैं? काल की अनंत धारा ने तुम्हारे बालों को किया काला, और उसी धारा ने किसी और के बालों को, अरे, सफेद कर दिया, भूरा कर दिया। कितने रंग के बाल होते हैं दुनिया में? अब इनके बाल उड़े हुए हैं, उनके बाल खूब घने हैं। इसका संबंध तुम्हारी अभी की स्थिति से नहीं है, इसका संबंध है तुम्हारे
गहन अतीत से, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई मोटा कोई पतला, तमाम तरह के भेद होते हैं जीव जीव में। ध्यान में उन सब भेदों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन जब ध्यान में तुम नहीं हो, जब ध्यान टूटा, तो फिर वही सारी पहचाने हावी हो जाती है, तुम वही हो जाते हो। ध्यान टूटेगा, तुम पुनः स्त्री हो जाओगे, तुम पुनः पुरुष हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, बच्चे हो जाओगे, अमीर हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, कोई हिंदू हो जाएगा, कोई मुसलमान हो जाएगा। ध्यान में मुसलमान मुसलमान नहीं रहता, या कह दो कि ध्यान में मुसलमान सच्चा मुसलमान हो जाता है और हिंदू सच्चा हिंदू हो जाता है, दोनों ही बातें ठीक है। तो वो जो दूसरा है, जो कहां से आ रहा है, पीछे से। मैंने कहा कि वो लगता तो यूं है जैसे तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, पर वो है जरा पराया। उसको पराया ही जानना, और वो अपना काम करेगा, तुम उसे रोक नहीं पाओगे। उसकी बड़ी हस्ती है, माया का बेटा है, वो साक्षात माया ही है। हम सब अपने भीतर दो को लेके घूमते हैं। पहला कौन? वो जो हम वास्तव में हैं, वो जो हम हो जाते हैं किन पलों में, ध्यान में। और दूसरा वो जिसने हमको ये योनि दी है, ये माथा दिया है, बुद्धि दी है, याददाश्त दी है, ये हाड़ मास दिया है, दूसरा वो है। और उसकी ताकत को भी कम मत मान लेना, उसकी ताकत बहुत बहुत है, बस परमात्मा से जरा सी कम है। तो उससे कोई और नहीं निपट सकता, उससे बस राम निपट सकते हैं। तुम ये सोचो, अगर जैसा तुमने अपने प्रश्न में लिखा कि तुम उसकी आवाज को मूक कर दो तो कर नहीं पाओगे, उसकी बहुत ताकत है, वो गुर्रा के चिल्ला के बोलता है, और जब वो हावी होता है तो अच्छे अच्छों का दम निकल जाता है। गुस्से का क्षण देखा है क्या होता है, क्या होता है? अब उस समय एक ही पहचान बची है, क्या? वही ध्यान तो गया, पता नहीं कहां गया, या विक्षिप्तता, पागलपन, या काम का उन्माद। इनको हल्का मानते हो? कोई है जो इन्हें हल्का मानता हो? अरे मान मत लेना, बड़ी पटकी खाओगे। आ रही बात समझ में? वो अपना काम करेगा, जब तक ये संसार है तब तक उस दूसरे को अपना काम करने का पूरा हक है, उसे उसका काम करने देना, तुम अपना काम करना। तुम्हारे पास ये विकल्प उपलब्ध है कि तुम उसकी सुनो कि इसकी सुनो। तुम किसकी सुनना? जो सच्चे वाले तुम हो उसकी सुनना। लोग शास्त्रीय तौर पे कहते हैं कि हम दो हैं, मैं तो कहता हूं हम तीन हैं। एक सच्चा, एक झूठा, और एक वो जो सच्चे और झूठे में चुनाव करता है कि सच्चे के साथ होना है कि झूठे के साथ होना है। सच्चा भी आवाज देता है और झूठा भी आवाज देता है। मेरी सारी शिक्षा इतनी ही है कि तुम सच्चे की सुनना, झूठे की आवाज घोटने की कोशिश मत करना। झूठा बोलता रहेगा, जिस दिन तक ये जिस्म है उस दिन तक वो सारे संस्कार और प्रभाव और काल की धारा बोलते ही रहेंगे जिन्होंने तुम्हें ये जिस्म दिया, वो सब बोलेंगे। क्रोध भी आएगा, थकान भी होगी, इच्छाएं भी उठेंगी, वासना भी उठेंगी, वो सब अपनी अपनी बात करते रहेंगे, बस तुम उनकी बात पर जोर मत देना, उनके पक्ष में मत खड़े हो जाना। तुम तो सदा एक के ही पक्ष में रहना। किसके पक्ष में? जो तुम अभी हो ध्यान में। ठीक है? और ना बुरा मानना,
तुम कहोगे हमने खूब सत्संग कर लिए, खूब ग्रंथ पढ़ लिए, उसके बाद भी वो पुरानी आवाजें पीछा क्यों करती हैं? अरे छोड़ो, वो पुरानी आवाजें किसी को नहीं छोड़ती। कबीर कहते हैं सुर नर यति मुनि सन्यासी, किसी को नहीं छोड़ती। करो पूरा, क्या कर रहे थे? तो पीछा वो सबका करती हैं, बस आदमी और आदमी में फर्क ये होता है कि कोई उसकी आवाज को महत्व तो देता है और कोई महत्व तो नहीं देता। तुम महत्व तो मत देना, सुन लेना, मूल्य मत देना। मेरा भरम सब दूर।